आदित्यगण, वसु, सात्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चोरी हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रवेश कि आप अपने मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निग्रह अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कितने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपिता में